हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे पोयम द हार्ट ऑफ द ट्री। अगर आपको मेरी पोयम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं। द हार्ट ऑफ द ट्री पोयम में तीन स्टैंजा है, जिसमें से हम पहले स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोएट ये बता रहा है कि एक ट्री को बोने की, मतलब प्लांटिंग अ ट्री, एक ट्री को बोने की अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है। जब कोई मैन वुमेन कोई भी प्लांट करता है ट्री को, मतलब बोता है ट्री को, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बोता है। जैसे हमारे जो ट्री होते हैं वो हमारी जो एटमॉस्फेयर, मतलब जो हमारी हवा होती है, उसके फ्रेंड होते हैं। तो ट्री जो है रिड्यूस करते हैं एयर टेम्परेचर। कैसे? क्योंकि जैसे गर्मियों में गर्म हवा चल रही है, अगर हम पेड़ के पास जाते हैं, कोई ट्री के पास जाते हैं, तो वो हमें ठंडी हवा मिलने लगती, क्योंकि वो एयर को जो टेम्परेचर होता है वो कम कर देते हैं, गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देते हैं। और ट्री जो है एयर को साफ़ करने में भी हम लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि जो एयर होती है वो डस्ट से और स्मोक से, मतलब धूल से और धुएं से गंदी हो जाती है। तो ट्री जो है एयर को साफ़ कर देते हैं, जिससे हमें फ्री जेंटल ब्रीज मिल पाती, मतलब हमें साफ़ हवा मिल पाती है। यहाँ पर हमें पोएट ये भी बता रहा है कि जो ट्री हैं उनके सन और स्काई भी फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर पोएट ने सन और स्काई को ट्री का फ्रेंड इसलिए कहा है क्योंकि जिस जगह पर सन हो और ब्लू स्काई हो और खूब सारे ग्रीन ट्रीज हो, वो जगह एकदम जन्नत की तरह लगती है। यहाँ पर पोएट ये भी बताता है कि जब हम ट्री को प्लांट करते हैं, कोई ट्री को बोते हैं, तब बर्ड्स के लिए उनके रहने की जगह का इंतज़ाम भी हो जाता है। यहाँ पर पोएट ये भी बताता है कि जो ट्री होते हैं वो बर्ड्स के रहने की जगह भी होते हैं। जब हम ट्री प्लांट करते हैं तो उसमें छोटी सी बर्ड्स आती हैं और अपने छोटे से नेस्ट बनाती हैं, मतलब छोटे छोटे घोंसले बनाती हैं और उसी में रहने लगती हैं। यहाँ पर पोएट ये भी बताता है कि जब हम कोई ट्री प्लांट करते हैं, कोई ट्री बोते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्लांट कर रहे हैं, ट्री को प्लांट कर रहे हैं, जिससे सबको पीस, हारमोनी और कंफर्ट मिल सके। अब हम अपना सेकंड स्टैंजा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पोएट ने यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट करा है। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, पोएट ने ये क्वेश्चन बोला। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब कोई प्लांट करता है ट्री, मतलब बोता है ट्री, तब वो क्या चीज़ें प्लांट करता है, क्या चीज़ें बोता है। इसका आंसर बहुत सिंपली आया, जब हम ट्री प्लांट करते हैं, ट्री बोते हैं, तो हमें एक ठंडी जगह मिल जाती है समर सीज़न के लिए। अगर हम समर सीज़न में ट्री के नीचे जाकर खड़े हो जाएं, तो हमें एक तो ठंडी हवा मिलेगी और उसके ऊपर से हम छांव में खड़े रहेंगे। ट्री हमारी हेल्प रेनी सीज़न में भी करते हैं। अगर कभी अचानक से बारिश होने लगी, रेन होने लगी और हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो अगर हम ट्री के नीचे जाकर खड़े हो जाएं, तो हम थोड़ा कम भीगेंगे और हम रेन से भी बच जाएंगे। यहाँ पर पोएट ने ट्री को डिस्क्राइब करा है द फॉरेस्ट हेरिटेज एंड द हार्वेस्ट ऑफ द कमिंग एज। इसका मतलब ये है कि ट्री जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें से उन्हीं ट्री की सीड्स आने लगती हैं, मतलब उन्हीं पेड़ की बीज आने लगते हैं। अगर हम उन सीड्स को बोते हैं तो वो सीड्स भी आगे चल के एक ट्री बन जाएंगी, मतलब जो ट्री है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपनी सीड्स को छोड़ के जाते हैं, जिससे वो जो सीड्स हैं वो एक ट्री बन जाएंगी। अब हम यहाँ पर थर्ड स्टैंजा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं ट्री को प्लांट करने के।
जब हम एक ट्री को प्लांट करते हैं, एक ट्री को बोते हैं, तो हम बहुत सारी अच्छी वैल्यूज़ को भी बोते हैं, प्लांट करते हैं, जैसे कि लव एंड लॉयल्टी, मतलब प्यार और एकता। जब हम प्लांट करते हैं ट्री, तब हमारी कंट्री भी इससे अच्छी हो जाती है, इससे हमारी कंट्री को भी फ़ायदा होता है। और अगर हम अपने घर में, अपने हाउस में ट्री को प्लांट करते हैं, तो इससे हमारे नेबर्स को भी ट्री के बेनिफिट्स मिलते हैं, उन नेबर्स को भी फ़ायदा होता है। पोएट ने यहाँ पर हमारी कंट्री के बारे में एक फैक्ट बताया है कि जो हमारी कंट्री है, उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो भी डिपेंड होती है ट्रीज़ पे। जब कोई प्लान करता है ट्री, जिस न्यू नेशन में सिर्फ पीस और प्रोस्पेरिटी रहती है, जो पूरे वर्ल्ड में फैलती है, जिससे पूरा वर्ल्ड पीस हो जाता है और प्रोस्पेरिटी हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। द हार्ट ऑफ द ट्री पोयम के राइटर का नाम हेनरी काइलर बनर है, जो अमेरिका के नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये पोयम ट्री के बेनिफिट्स को फील करके लिखी है। आई होप आप लोगों को ये पोयम अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।